सभी को नमस्ते। तो अभी हम बात करेंगे होलिस्टिक लिविंग के बारे में। तो होलिस्टिक लिविंग है क्या? होलिस्टिक लिविंग ऐसा है कि होलिस्टिक वर्ड जो है वोल से आया है। वोल वोल मीन्स हमारी लाइफ को वोल पर्सपेक्टिव, सारे के सारे पर्सपेक्टिव लेके चलना है लाइफ में। तो वही उसका कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक लिविंग का। तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि जैसे, तो सारे 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 के सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे पर्सनल चीजें हैं, कुछ सोशल चीजें हैं, और कुछ एनवायरनमेंट से भी हमारी जिंदगी लिंक रहती है। तो वो जो सारी चीजें हैं उनका जो एनकम्पासिंग करेंगे हम, हमारे लाइफ का इम्पैक्ट उन सभी चीजों पे देखेंगे, उसको हम बोलेंगे होलिस्टिक लिविंग। तो ऐसा अभी हम जिंदगी में बहुत कुछ, बहुत लोग, सब लोग इतने में ही कामों में लगे रहते हैं कि कुछ काम करते हैं, अर्निंग करते हैं और घर परिवार चलाते हैं, और इतने में ही इतना ही जिंदगी को लगभग समझते हैं। लेकिन इससे ऊपर भी, इससे ज्यादा रोल आदमी का एक्चुअली होता है। तो उस रोल को आइडेंटिफाई करके उन सभी रोल्स में हमको अपनी जिंदगी को, एनर्जी को इम्प्लीमेंट करना, तो उसको हम बोलेंगे होलिस्टिक लिविंग। तो अभी और आगे डिटेल में देखते हैं। तो अभी जो हम बात करेंगे उसमें ये सारे कंटेंट्स हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज होलिस्टिक लिविंग, होलिस्टिक लिविंग क्या है, ये क्यों चाहिए, और तो इसके लिए क्या है, हमको ह्यूमन बॉडी को भी समझना है पहले। तो ह्यूमन बॉडी के मटेरियल एस्पेक्ट देखेंगे हम और एनर्जी एस्पेक्ट देखेंगे। उसके बाद हम होलिस्टिक लिविंग के गोल्स देखेंगे कि किन किन एरियाज को हमको टारगेट करना है। तो वो है पर्सनल, सोशल और एनवायरमेंटल। इतनी चीजों पे ह्यूमन लाइफ इंपैक्ट करती है। और उसके बाद हम बात करेंगे बॉडी माइंड सोल बैलेंस की, और उसी का एक बहुत अच्छा तरीका है योगा। योगा से हम बॉडी माइंड सोल को बैलेंस में ला सकते हैं, तो उसकी क्या जरूरत है वो भी हम बात करेंगे। और इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करना है उसका एक मेथड देखेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये तो होलिस्टिक लिविंग क्या है, तो इसमें कॉन्सेप्ट है कि अंडरस्टैंडिंग द इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इट्स होलनेस। ह्यूमंस आर नॉट अबाउट जस्ट वर्किंग, डूइंग 9 to 5 जॉब और डूइंग ए बिजनेस एंड अर्निंग मनी एंड क्रिएटिंग मोर बिल्डिंग्स एंड क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉट जस्ट दैट, इट हैज मोर इंपैक्ट देन दिस। सो व्हाट आर दोज कंपोनेंट्स? पर्सनल कंपोनेंट है, सोशल कंपोनेंट है और एनवायरमेंटल कंपोनेंट है। तो उसको समझना है। उसके बाद इन चीजों का आपस में कैसे लिंक्ड है वो भी हम देखेंगे। अक्सर जिंदगी में ऐसा होता है कि एक इवेंट जिंदगी में कहीं होता है और दूसरे चीज को इंपैक्ट डालता है। हमारे घर में कुछ हुआ तो काम में इफेक्ट आ जाता है, काम में कुछ हुआ तो घर में इफेक्ट आ जाता है। तो ये सब चीजें लिंक्ड रहती है एक्चुअली। बहुत मुश्किल है इनको अलग करना, अलग कर भी नहीं सकते। तो उसका इंपैक्ट हम देखेंगे। तो उसके बाद क्या है, फाइंडिंग बैलेंस विद इन इनफाइनाइट वेराइटी फॉर सस्टेनेबिलिटी। जिंदगी में हमारी बहुत सारी वेराइटीज है, सभी चीजों में आप देखेंगे बहुत सारी वेराइटीज है, काम करने में, खाना खाने में, बिल्डिंग्स में, बुक्स में, किसी भी चीज में बहुत सारी वैरायटी है। तो लाइफ कैसे चलती है, बैलेंस से चलती है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशंस, स्मेल, टेस्ट, सभी चीजों में बहुत वैरायटी है। इसी वैरायटी से हमारी एक्चुअली यूनिकनेस भी आती है। हम सब यूनिक होते हैं, तो उस यूनिकनेस उस यूनिकनेस तो एक बात है, उसमें हमको अपना इतनी वैरायटी में अपना बैलेंस लेके चलना है। वो भी होलिस्टिक लिविंग का ही एक पार्ट है और ये कंसाइंस का एट्रीब्यूट है। सब लोग इसको सब लोग में सॉरी लोग नहीं, एनिमल्स इसको नहीं प्रैक्टिस कर सकते। कंसाइंस को आप सोचोगे, समझोगे तो ये सब चीजों के एरिया में अपने इंपैक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओगे और इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो ये कंसाइंस से आता है। अभी आगे हम देखेंगे कि क्यों करना है।
समझ समझ क्या सही है क्या सही नहीं है, क्या हमको करना है क्या हमको नहीं करना है, ये आदमी समझ सकता है, एनिमल नहीं समझ सकते। तो समझ होना बहुत जरूरी है। तो अभी कि क्यों करना है, वो तो था कि क्या है, अभी हम देखेंगे क्यों करना। तो ये देखो ये क्या करता है, हमको रिकनेक्ट योर आवर एक्चुअली रूट्स टू द नेचर। हम एक्चुअली नेचर के ही बच्चे हैं, नेचर से ही पैदा हुए, अर्थ से ही पैदा हुए। तो अर्थ से हमारे कनेक्शन को समझना है, वो भी इसमें मदद करेगा। ये अगर प्रैक्टिस ये करेंगे तो हम अपने नेचर से कनेक्शन को इस्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके बाद क्या करेगा, इम्प्रूव ओवरऑल हेल्थ एंड क्योर लाइफस्टाइल डिजीजेस। हमारे टिपिकल वर्क प्रोफाइल के कारण आजकल बहुत सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस आते हैं, तो उनको भी क्योर कर पाएगा। वो सब डिजीजेस हमको किस लिए आए, क्योंकि हमने नेचर से कॉन्टैक्ट छोड़ दिया है, हमारा लाइफस्टाइल नेचुरल नहीं बचा है। तो कोशिश करनी है कि नेचुरल लाइफस्टाइल की साइड हम जाएं, और अगर नेचुरल की साइड जाएंगे तो लाइफस्टाइल डिजीजेस थोड़ा बचे रहेंगे। और हमारे एनर्जी सेंटर्स, हम मटेरियल हैं, हम एनर्जी भी हैं, मटेरियल और एनर्जी दोनों एक ही है ना। आइंस्टाइन ने भी बोला था एनर्जी इज इक्वलेंट टू मास टाइम सी स्क्वायर। तो एनर्जी मास एक ही है, हम मटेरियल है तो हम एनर्जी भी हैं। तो हम अपने आप को मटेरियल बॉडी की तरफ भी देखते हैं और एनर्जी बॉडी की तरफ भी देखना चाहिए। तो एनर्जी बॉडी की साइड देखेंगे तो फिर हमारी एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है वो भी इसमें पता चलेगा। उसके बाद है कि ये इनसाइट, क्लियरिटी और ओपन माइंडनेस देगा, इनसाइट देगा, पूरी समझ देगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब बताएगा। स्ट्रेंथ एंड कंट्रोल ऑफ लाइफ सिचुएशंस, आइडेंटिफाई योर यूनिकनेस एंड स्किल्स। आपको अब यूनिकनेस बताएगा आपको, अगर आप नेचर से कनेक्ट हो गए आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि मेरे क्या इंक्लिनेशंस हैं, मैं क्या हूं, तो आपको आइडेंटिफिकेशन यूनिकनेस भी देगा। आइडेंटिफाई योर वर्थ एंड मीनिंग इन लाइफ, आप यूनिक हो तो डेफिनेटली आपकी वर्थ है, हम सब यूनिक है, हम सबकी अपनी अपनी वर्थ है, हमारा अपना अपना एक रोल है। बात यह हो रही है कि हम उसको भूल गए हैं और अपने रोल को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं काफी लोग, जिनसे बहुत सारी दिक्कतें भी हो रही है। तो हमारी वर्थ, हमारी यूनिकनेस, और इसीलिए लाइफ को एक मीनिंग मिलेगा। और हमारा रोल सोसाइटी और नेचर में क्या है, तो अभी हमारे लाइफ के मीनिंग का ऐसा हो गया रोल का कि पर्सनल तो है ही, पर्सनली ज्यादा हो गया, सोसाइटी को थोड़ा है, और नेचर को तो मुझे लग रहा है खत्म ही हो गया या इवन उल्टा हो गया। हमको नेचर को जो प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्ट करने के कंपैरिजन में वो डिस्ट्रॉय हो रही है हमारे सारे एक्शन से। तो ये एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इस रोल को हमको समझना है और इस रोल को रेक्टिफाई भी करना है। तो वो भी हम अपना कनेक्शन अगर नेचर से समझेंगे तो वो सब चीज को हम समझ पाएंगे और इसीलिए करेक्टिव एक्शन भी ले पाएंगे। और आपको ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्ट करेगा, आपको मतलब एक्चुअली पूरी समझ आएगी कि मैं क्या हूं, नेचर क्या है, मेरे क्या क्या रोल्स है, क्या इंपैक्ट्स है, तो आपको ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाएगा, वो सबसे जरूरी एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी है, तो उसको भी ये बढ़ाएगा। अभी देखते हैं, अभी मैंने बात की अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी, उसका मटेरियल और केमिकल एस्पेक्ट। सब कुछ मटेरियल है, मटेरियल इन स्पेस टाइम, एनीथिंग इज मटेरियल इन स्पेस टाइम। तो हम भी मटेरियल हैं। मटेरियल क्या होता है, केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, हम लोग केमिकल एलिमेंट से बने हैं, केमिकल एलिमेंट से कुछ कंपाउंड बन गए, कंपाउंड से लाइफ आई, उससे हम बने। तो क्या क्या हो गए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गए, हम फैट्स हो गए, मिनरल से बने हैं, प्लस लाइफ एनर्जी भी आई है। एक्चुअली सिर्फ इतना नहीं है हम, पर मैं जस्ट मटेरियल एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जितना साइंस देख समझ पाती है उतना। तो उसमें हम इतना बोल सकते हैं कि हम इतना है। तो उसके बाद क्या आता है, एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट आता है, फिजिकल से पहले हम केमिस्ट्री हैं। हम बोलते हैं फिजिकल, इतना हेल्थ मेरा, इतना वेट, इतनी स्ट्रेंथ, ये, लेकिन उससे पहले तो हम केमिस्ट्री हैं, पहले केमिकल बना फिर तो फिजिक्स बना। तो केमिकल पैरामीटर एक्चुअली हमारी आइडेंटिफिकेशन केमिकल से होनी चाहिए, फिजिकल से बाद में।
पहले केमिकल से होनी चाहिए, क्या केमिकल है, कुछ भी चीज क्या केमिकल है, लेकिन वो तो आइडेंटिफिकेशन नहीं बची, तो उसको एक्चुअली शुरू करते हैं केमिकल के बाद फिजिक्स आता है। अगर आपकी केमिस्ट्री, जैसी आपकी केमिस्ट्री वैसी फिजिक्स होगा, तो केमिस्ट्री को पहले सही करना है। जिसके बॉडी में सारे केमिकल पैरामीटर सही रहेंगे उसका फिजिक्स कभी खराब होगा नहीं, तो केमिस्ट्री पे पहले ध्यान देना है। तो केमिस्ट्री के क्या क्या पैरामीटर है, ब्लड का पीएच है, हीमोग्लोबिन है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर, प्रेशर भी बोल लो केमिस्ट्री का ही पार्ट, ठीक है कुछ सेंस में, हार्ट रेट, ईसीजी, ईसीजी हमारा इलेक्ट्रिकल पल्स, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी भी है, सबको पता ही होगा इलेक्ट्रिसिटी बहुत जरूरी है, तो वो मेटाबॉलिज्म हमारा, जितना बढ़िया मेटाबॉलिज्म होगा उतना बड़ा बढ़िया हमारी इम्यूनिटी होगी। मेटाबॉलिज्म को मेजर करते हैं बीएमआर में, बसल मेटाबॉलिज्म रेट, तो ये हमको बढ़ाना है, ये बढ़ता है फिजिकल एक्टिविटी से, फिजिकल एक्टिविटी करनी है भी बढ़िया, हमको डाइवर्स कंडीशन में सर्वाइव भी करना है, एडेप्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, कुछ बहुत इंटरेक्ट करना है कुछ भी, अगर हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे दूसरी कंडीशन में तो फिर गए, बहुत सारी स्पीशीज ऐसे ही एक्सटिंक्ट हो गई क्योंकि वो एडेप्टेबल नहीं थी, तो एडेप्टेबिलिटी बढ़ानी है। तो ये सब बॉडी के केमिकल एस्पेक्ट्स हैं, इतनी चीजों को सही रखना है तो फिजिक्स सही रहेगी। सीधे फिजिक्स पे काम करोगे, केमिस्ट्री पे काम किया नहीं, तो बाहर से प्रेशर देके उसको ठीक तो कर दिया लेकिन अंदर से लॉन्ग टाइम सस्टेनेबल एक्शन नहीं रहेगा, तो पहले केमिस्ट्री सही करनी है। ये वो थी मटेरियल बॉडी, अभी हम बात करते हैं एनर्जी बॉडी की, हमारी बॉडी में एनर्जी कैसे फ्लो होती है, और बॉडी में एनर्जी क्या काम करती है, बॉडी के बहुत सारे काम है ना, इतने सारे ऑर्गन्स हैं, कोई एक ऑर्गन सही काम करता है, कोई एक ऑर्गन सही काम नहीं करता है, हो सकता है सब सही काम करते हैं, सब सही ना काम करें, तो कौन सा ऑर्गन कैसे काम करेगा ये डिपेंड करेगा कि एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है बॉडी में। तो एनर्जी हम एक्चुअली अंदर और बाहर भी कनेक्टेड है, सिर्फ केमिकल तो हम नहीं है एक्चुअली, आप हम स्पिरिट हैं, स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि सिर्फ केमिस्ट्री पे लाइफ नहीं आती है, नहीं आ सकती है। तो अब जो एनर्जी हम बाहर से ले रहे हैं वो कौन से ऑर्गन को क्या काम करने को बताएगी, हमारी बॉडी एनर्जी, हमारी बॉडी की जो एनर्जी है क्या काम हमारी बॉडी से करवाएगी, ये हमारे एनर्जी इस पे डिपेंड करेगा, एनर्जी प्रोफाइल पे। तो एनर्जी प्रोफाइल, एनर्जी सेंटर्स हमारी बॉडी में मेन ये 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, एक एक एनर्जी सेंटर मतलब मेनली एक ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जिस ग्लैंड को जैसा सिग्नल एनर्जी देगी वो ग्लैंड वैसे काम करेगा। तो हमको सभी ग्लैंड्स की एनर्जी को बैलेंस करना है, इसको बोलते हैं चक्रा बैलेंसिंग, चक्रा को ओवर एक्टिव भी नहीं करना, ओवर एक्टिव कर दिया वो ग्लैंड ज्यादा काम करेगा उल्टा पुल्टा कुछ करेगा, कम एक्टिव कर दिया उस ग्लैंड को उल्टा पुल्टा कुछ, वो फिर उसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। तो उनको बैलेंस करके रखना है एनर्जी, जिस ग्लैंड की, ग्लैंड क्या होता है ऑर्गन को काम करने के लिए बोलता है, ऑर्गन से काम करवाएगा, पैनक्रियाज बोलेगा शुगर को डाइजेस्ट करो, और एड्रिनल ग्लैंड बोलेगा या तो मारो या तो भागो ना। तो ये सब जिस ग्लैंड पे हमारी एनर्जी जब सेंटर्ड रहेगी वो ग्लैंड उस टाइम काम करेगा, और हमारी पूरी बॉडी लगभग वही काम करती रहेगी। तो हमको बॉडी से क्या कराना है ये हमारी एनर्जी से हम बता पाएंगे। तो ये जो एनर्जी सेंटर्स हैं, देखिए सर्वाइवल से स्टार्ट होते हैं, सबसे पहला मूलाधार चक्र, ये बोलता है कि आई एम, मैं हूं, बस मैं हूं, मैं सर्वाइव करना है मुझे, बस इतनी मेरी जिंदगी, अगर एनर्जी इस पे सेंटर रही तो बस मैं हूंगा ही हूंगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हूंगा, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, शरीर से कुछ काम करवाना सब हैपजार्ड होगा, तो ये भी होना चाहिए पहले, एक्चुअली आपको होना तो चाहिए तभी तो कुछ होगा, इसको बैलेंस करके रखना है सही से। उसके बाद आता है आई फील, एड्रिनल ग्लैंड फील, जिसको फील कुछ करेगा ये जनरली एड्रिनल ग्लैंड मतलब फाइट एंड फ्लाइट मूड को एक्टिवेट करता है, हम कोई लाइव एनिमल्स मतलब में भी ऐसे इंस्टिंक्ट होता है कि अगर कुछ खतरा हमको लगा और हमको लगा कि वो खतरा हमको ओवरपावर कर देगा तो हम भाग जाएंगे, और अगर हम खतरे को अटैक कर पाए तो हम उसको उधर ही पीट देंगे। तो ये उसमें अगर ऐसा सिचुएशन हमारी जिंदगी में आती है तो हमारी एनर्जी मतलब एक्चुअली इस एनर्जी सेंटर से ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये भी बैलेंस रहना। उसके बाद आता है पैनक्रियाज, ये है कि आई डू, मैं कुछ करता हूं, डाइजेशन मैं कुछ काम करूंगा, ठीक है सोच समझ के, तो डाइजेशन सही रहेगी, पूरा शरीर सही रहेगा। उसके बाद आता है थाइमस ग्लैंड,
चक्र अनाहत आई लव, कि मैं प्रेम करता हूं चीजों से, ये सब नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ऊपर का कोई भी चक्र नीचे पे, नीचे उसका बेस है, अगर नीचे का चक्र गड़बड़ है तो ऊपर का पूरा ढह जाएगा। आपका नीचे से ही जाना है और बैलेंस रहना है, नीचे से ऊपर उठना है। नीचे नींव है, पहले मैं होना तो चाहिए, पहले मुझे फाइट एंड फ्लाइट, अभी वो भी खतरे होते ही हैं, वो भी मुझे भांपने चाहिए, फिर मुझे कुछ करना चाहिए, फिर मुझे प्रेम करना चाहिए, फिर आई टॉक, थायराइड, एक्चुअली इम्यूनिटी से रिलेटेड है, थ्रोट चक्र, थायराइड ग्लैंड, नहीं थायराइड ग्लैंड है, ब्रेन से रिलेटेड, इधर से ब्रेन एक्टिविटी स्टार्ट होती है, ब्रेन थायराइड, ये चक्र मींस बेसिकली ग्लैंड ही है, ग्लैंड जो काम करेगा वही चक्र है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है, ब्रेन को, मेटाबॉलिज्म को, ये सबको सही करके रखता है। तो फिर उसमें आएंगे, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, बाकी सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, किस ग्लैंड को क्या काम करना है पिट्यूटरी ग्लैंड बताता है। तो ये एनर्जी सेंटर इन सभी एनर्जी सेंटर को बताएगा कि किस क्या एनर्जी प्रोफाइल रखना है बॉडी का। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप ऊपर बहुत ऊपर उठ गए, थर्ड आई चक्र आईसी, ये नॉलेज पे आ गया, आपको पता चल गया क्या है क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये बाकी सभी चक्रास को बताता है। उसके बाद उससे भी ऊपर है, सबसे ऊपर है क्राउन चक्रा, जिसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन ही है, हम यूनिवर्स से कनेक्टेड है इंट्यूशन के थ्रू, पीनियल ग्लैंड से सबसे जरूरी यही है। अगर आप पीनियल ग्लैंड अच्छे से एक्टिवेट कर पाते हो तो आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो। तो इतने लेवल तक हमको अपनी एनर्जी को उठाना है। तो हम में कौन सा चक्र एक्टिवेट होगा कैसे पता चलेगा, हमारे बिहेवियर से ही, ऑब्जर्वेशन से ही, प्रीडोमिनेंटली मैं किस मोड में रहता हूं, क्या मैं बस हूं ही हूं, खाते पीते रहता हूं, क्या मैं चीजों से प्रेम करता हूं, क्या मैं नॉलेज रखता हूं, सभी चीजों की अंडरस्टैंडिंग रखता हूं, क्या मैं यूनिवर्स से कनेक्ट हो पा रहा हूं, यूनिवर्स की एनर्जी को सिंक कर पा रहा हूं। एक्चुअली इतना होना चाहिए आपकी, ये सब ये सिंक होने चाहिए, इधर से एनर्जी फ्लो होनी चाहिए, सिंक होना चाहिए चीजों से। तो वो आइड मतलब वो आप कनेक्शन बताता है यूनिवर्स से सबसे ऊपर के चक्र में। तो ये हमारी एनर्जी बॉडी का प्रोफाइल हुआ। अभी देखते हैं हम गोल्स क्या क्या है होलिस्टिक लिविंग के, तो कौन कौन से एरियाज हमको टारगेट करने चाहिए। तो पर्सनल, इस पे हमको फिजिकली सही रहना है, मेंटली सही रहना है। मेंटल के दो पार्ट होते हैं, एक लॉजिकल होता है, एक इमोशनल होता है, दोनों को सही करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। स्पिरिचुअल, हमारी स्पिरिट को सही रखना है, और हमारे पर्सनल रिसोर्सिस एंड फाइनेंसिस को भी सही रखना है। सोशल फ्रंट पे फैमिलीज और फ्रेंड्स सही रखना है, कल्चरल सही रखना है, हम जो भी काम करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, काम करते हैं, कुछ बिहेव करते हैं, बिहेवियर सही रहना है, कल्चर सही रहना है। ऑक्यूपेशन भी सही रहना है, और इन सब चीजों पे इम्पैक्ट और एनवायरमेंटल पे हमको इको फ्रेंडली डिसीजन और प्रैक्टिसेस लेने हैं। तो इतने होलिस्टिक लिविंग के एम्स हैं, गोल्स हैं। अभी इनको कैसे देखना है, जैसे पर्सनल पे फिजिकल वेलनेस में, इस पे हमको काम करना है, स्ट्रेंथ पे, पावर पे, स्पीड पे, इन सब फिजिकल फिट रहना है। खाने के लिए बैलेंस डाइट खानी है एज पर रिक्वायरमेंट, जो हम काम करते हैं उसके हिसाब से, कोई ज्यादा खाता है, जो मजदूरी का काम करता है, पत्थर उठाता है, बिल्डिंग बनाने का काम करता है कुछ भी, उसको तो बहुत ही ज्यादा वो शुगर भी खा पाएगा, ज्यादा फूड खाएगा, उसका फूड हम अपने से अपने क्या बोलते हैं सीडेंट्री लाइफस्टाइल से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमको फिजिकली हार्ड वर्कर की डाइट से अपनी डाइट अलग भी रहनी है, जैसा मौसम है उसके हिसाब से खाना है, जैसा हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से खाना है, और किस टाइम पे खाना है वो सब चीजों का ध्यान रखना है। सीजनल खाना है, फ्रेश खाना है, प्रेफरेबली वेजिटेरियन खाना है, और वर्कआउट करना है और रेस्ट भी करना है। जब भी वर्कआउट की बात आएगी तो रेस्ट उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री हुआ, ऐसा नहीं कि वर्कआउट बोलते हैं वर्कआउट करो, रेस्ट नहीं लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वर्कआउट करके रेस्ट भी लेना, और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ रेस्ट ही लेना है, वर्कआउट हुआ नहीं तो वो भी गड़बड़ है।
वो है। तो वर्कआउट करके रेस्ट लेना है, कोई एक खेल कूद करोगे तो उससे एक्चुअली पूरा फिजिकल पैरामीटर ही सही रहता है। तो ये फिजिकल फिटनेस के इतने पैरामीटर्स हैं। अभी है मेंटल, मेंटल में लॉजिकल और इमोशनल आता है। तो लॉजिकल में हमारी रीजनिंग, रीजनिंग सही रहनी चाहिए। रीजनिंग मतलब बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट है, हमको लगभग सभी एक्शंस में क्या कॉज है, क्या करने से क्या हो रहा है, लगभग उतना होना चाहिए। कुछ भी रैंडम होता नहीं, सब कुछ कॉज एंड इफेक्ट से ही होता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, लॉ ऑफ कर्मा भी वही है, जो करोगे वही होगा। तो सब चीज एक्चुअली लॉजिकली हो रही, क्या करने से क्या हो रहा है, इतनी रीजनिंग हमको आएगी तो मतलब हम एक्चुअली बहुत ज्यादा लॉजिकली अपने आप को समझ रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो सभी चीजों का कॉज एंड इफेक्ट लिंक करने की कोशिश करनी है कि क्या करने से क्या हुआ, क्या होने ऐसा हो गया तो ऐसा होने से क्या किया होगा, वो सब चीजें समझ रहेगी तो हमारी लॉजिकल रीजनिंग सही है, ये सही करके रखनी है। और कनेक्ट टू नेचर, हाँ नेचर से कनेक्ट करोगे तो एक्चुअली आपका इमोशनल बीइंग सही रहेगा, आपका एक कनेक्शन सेंस सही रहेगा, आपके लॉजिक के लिए क्या इमोशनल के लिए ये हेल्प करेगा। और अपनी हॉबीज, हमारी नेचुरल हॉबी एबिलिटी, सबकी अलग अलग होती है, हम लोग यूनिक हैं, सबके अपने अलग अलग नेचुरल इंक्लिनेशन है। तो जो भी हमारी हॉबी है वो हमको करके हॉबी फॉलो करनी है, हॉबी पे काम करना है। हॉबी से क्या होता है, आप एक्चुअली स्पेस टाइम से परे हो जाते हो, आप सभी दिन दुनिया से कट जाते हो, आप बस मैं ही मैं रह जाता हूँ। किसी को खेलना पसंद है वो खेल ले, किसी को पेंटिंग करना पसंद है वो पेंटिंग कर ले, किसी को सिंगिंग करना पसंद है वो सिंगिंग कर ले। तो उसका उस हिसाब से उस काम में मन लगा रहेगा और वो बहुत सारे स्ट्रेसफुल चीजों से दूर रहेगा। तो इसीलिए हॉबी का सही होना हमारे इमोशनल वेलबींग के लिए बहुत सही है। और एम्पैथी प्रैक्टिस करनी है। अब एम्पैथी क्या होता है, दूसरों के ऊपर एम्पैथी होता है कि आप दूसरों की पोजीशन पे खुद को रख के देखना है। कुछ भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं सीधे फर्स्ट हैंड में, वो सपोज कोई लाइन बाईपास करके हम लाइन में खड़े हैं, कोई लाइन बाईपास करके आया आगे, फर्स्ट हैंड में उसको नहीं बोला तुम आगे नहीं जा सकता है। पहले उसकी सिचुएशन जाननी है, उस पर देख देखना, उसके पूछना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो तब तो आप उसकी सिचुएशन जज कर पाओगे, हो सकता है कोई बहुत ही जरूरी काम हो तभी उसने लाइन बाईपास की होगी। तो इसी को एम्पैथी बोलते हैं कि खुद को उसकी जगह पे रख के देखना है तभी कुछ कंक्लूजन करना, उससे पहले कंक्लूजन करना नहीं कि क्या हुआ क्यों हुआ। ये एम्पैथी, ये आपको इमोशनल वेलबींग में बहुत अच्छा रखेगा। साइलेंस प्रैक्टिस करनी है। साइलेंस मतलब मौन, बात से भी मौन और मन के विचारों से भी मौन, मन में विचार ना आए ऐसा अगर रखेंगे हम तो हमारा इमोशनल वेलबींग अच्छा रहेगा। और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब हमको थैंक्स रहना है, हम बहुत सारी चीजों के लिए थैंकफुल रह सकते हैं, हम हैं इतना ही काफी है थैंकफुल रहने के लिए, बाकी तो हम कर ही लेंगे। तो इसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड रखना है। ग्रेटिट्यूड रखने से पूरा एक्चुअली बॉडी सही हो जाती है, पूरा सब कुछ सही हो जाएगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर्सनल में ही स्पिरिचुअल वेलनेस। हम लोग एक्चुअली हैं स्पिरिट्स ही, स्पिरिट से ही मटेरियल बॉडी चल रही है। तो स्पिरिचुअल के क्या पैरामीटर्स हैं, इंट्यूशन है पैरामीटर, हमको जो लगता है, मुझे लगता है कि उसके पीछे बिल्ली होगी। अभी तो बिल्ली नहीं होगी क्योंकि मैं कट ही चुका हूं शायद, लेकिन अगर इंट्यूशन सही होगा तो हमको जो जो लगेगा लगभग वही वही वैसा वैसा उल्टा जैसा जैसा होगा हमको ऐसा लग जाएगा। एक्चुअली अभी जैसा होता है वैसा हमको लगता नहीं, क्योंकि हमने अपनी परसेप्शन, अपने कुछ बिलीव्स दिमाग में पक्के कर दिए कि ऐसा ही है, कि कागज जो है वाइट ही होता है, तो कुछ भी वाइट देखा मुझे लगा कागज है क्या। तो इस तरह के कुछ परसेप्शन हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेट हैं, वो सब परसेप्शन से अगर दूर अपना कनेक्शन फील करेंगे स्पिरिट से तो इंट्यूशन भी आएगा। तो इंट्यूशन की प्रैक्टिस करनी है, उससे हम अपने सोल से कनेक्ट हो पाएंगे। नेचर से कनेक्ट होना है, कभी भी नेचर से कनेक्ट होना आपको हमेशा हेल्प करेगा ही, क्योंकि हम नेचर के ही बच्चे हैं। और नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है चीजों से, मटेरियल से। मटेरियल से अगर हम नॉन अटैच्ड रहेंगे तो हम एनर्जी से कनेक्ट हो जाएंगे। तो किसी भी चीज से, मटेरियल से,
फिजिकल मटेरियल से, जॉब से, इवन मनी से, ठीक है, मनी से, मनी एक्चुअली आपकी पावर होती है, आप उसको जिस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे वैसा होता है, ठीक है, मनी से छोड़ दो, बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हैं जिनसे हमको अटैच नहीं रहना, इवन मनी से भी अटैच नहीं रहना, मनी हम लेके नहीं आए थे कभी, तो वो हमको इधर काम करने के लिए, हम खाली हाथ ही आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, तो बीच में हमारे क्या काम है, ओनली काम सही रखने और कुछ सही रखने की जरूरत नहीं, सोल के लेवल पे, और सोल ही है हम, और उसी के लेवल पे बात करनी चाहिए। तो नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है और मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन मतलब ध्यान, ध्यान एक जगह केंद्रित होना चाहिए। हम स्पिरिट से दूर हुए किस लिए, ये सब एक तो मटेरियल से अटैच हो गए और मल्टीटास्किंग करने लगे। सोल का क्राइटेरिया, सोल एक ही एनर्जी है और एक ही कनेक्शन है और कुछ भी नहीं है, उसमें मल्टीटास्किंग नहीं है। तो मल्टीटास्किंग करके ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अभी मेरे पॉकेट में फोन है, कुछ हो जाएगा ही होगा, तो मैं कहां प्रेजेंट में फोकस रहा, कहां किसी भी चीज पे फोकस रहा, फोकस तो उधर चला गया। तो इसीलिए ध्यान एक ही चीज पे केंद्रित रखना है, एक ही चीज पे ध्यान केंद्रित आएगा मेडिटेशन से, तो ये भी हमको सोल के पास ले जाएगी, ये सब स्पिरिचुअल वेलनेस में हेल्प करेंगे। रिसोर्सेज और फाइनेंसिस भी सही रखने हैं। तो रिसोर्सेज मतलब मनी भी रिसोर्सेज में आएगा, वो किस लिए कि हम जो जो करना चाहते हैं वो कर पाए। मनी तो क्या है, पावर ही होती है, आप पावर का जैसे इस्तेमाल करोगे वैसा है। मनी से उल्टा पुल्टा काम करना चाहोगे वो भी हो जाएगा, अच्छा अच्छा काम करना चाहोगे वो भी हो जाएगा। तो हमको मनी अच्छी चीज के लिए यूज करना है, रिसोर्सेज अच्छी चीज के लिए, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सोसाइटी में इंपैक्ट के लिए और एनवायरमेंट में पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए यूज करना है रिसोर्सेज। कंसाइन से ऑन करना, उल्ट पुल्ट तरीके से कुछ भी काम करना नहीं, बहुत गड़बड़ है। पर्सनली मुझे लगता है ये सब बिटकॉइन वो क्या क्या है, वो कोई लॉजिकल नहीं है, कुछ भी कहां से पैसा लाके कहां डालते हैं कुछ उसका पता नहीं, हम जिन चीजों का हमको पता नहीं हमको उसमें इन्वॉल्व होना ही नहीं है, ये अवेयरनेस के माइंडफुलनेस के बिल्कुल खिलाफ है, और जिन चीजों का आपको पता नहीं वो चीजें करनी ही नहीं। तो कंसाइंस के साथ एफर्ट और प्रोसेस फॉलो करके रिसोर्सेज कमाने हैं, आप जितना मर्जी उतना कमाओ। और फाइनेंसिस को सर्कुलेशन में रखना है, इकट्ठा करना नहीं है, इकट्ठा करना बहुत प्रॉब्लम है। और यूटिलाइजेशन उसकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करनी है, सोशल कॉजेज के लिए करनी है, सस्टेनेबिलिटी करने के लिए और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं करनी है, स्पेशली मनी के लिए। और इससे भी हमको नॉन अटैचमेंट रखना, पैसे से कभी जुड़े नहीं रहना, ना हम लेके आए थे ना लेके जाएंगे। अभी सोशल फ्रंट पे, सोशल फ्रंट पे बताए थे फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि हम सब यूनिक हैं। बच्चों पे पेरेंटिंग भी इसी में आती है, बच्चों पे कभी स्ट्रेस नहीं करना कि मैं जो नहीं कर पाया अब आप करो, कि मैं ये चाहता हूं कि वो आप करो, भाई आप हो, मैं हूं, अभी मैंने जो कर लिया वो कर लिया, आप जो करोगे वो आप करो, सब चीजों को इसलिए उनका ड्यू रिगार्ड देना है, ड्यू रिस्पेक्ट देना है बच्चों से लेके बड़े तक। तो इससे हमारी यूनिकनेस पता चलती है और सब फैमिली और फ्रेंड्स की सभी लोगों की यूनिकनेस बनी रहती है। इमोशनल एस्पेक्ट देखना उनका, लव हार्मनी के साथ। फैमिली जो है सोसाइटी की फर्स्ट यूनिट होती है कभी भी, तो सोसाइटी कैसी होगी जैसी आपकी फैमिली होगी, आपको फैमिली सही रखेंगे तो सोसाइटी ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। पेरेंटिंग सही से रखनी है। कल्चरल केस पे, कल्चरल हमारा कंसाइंस नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, लव बेस्ड होना चाहिए और जस्टिस बेस्ड होना चाहिए, और सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करना चाहिए कल्चर। एक्चुअली अभी के कल्चर में सस्टेनेबिलिटी तो प्रमोटेड नहीं है, क्योंकि हम एनवायरमेंट फ्रंट पे तो हमारा बहुत लैप्स है ही, बहुत डिग्रेडेशन है। तो और पर्सनल सेंस सॉरी सोशल सस्टेनेबिलिटी भी कम से कम इंडिया की है, ठीक है, आप रिपब्लिक हो और क्या बोलते हैं रिपब्लिक हो और डेमोक्रेटिक हो, सब लोगों का मान सुन, बहुत सारी कंट्रीज में डेमोक्रेसी भी यानी ऑटोक्रेसी है, जो बोल देगा वो करेगा, वो एक्चुअली ह्यूमन वैल्यूज के खिलाफ, ह्यूमन एनर्जी के साथ बहुत गलत बात है, ह्यूमन का ह्यूमन लाइफ की वेस्टेज है। तो सस्टेनेबिलिटी का इसमें बहुत रोल है कल्चर में, हार्मनी पीस रखनी है, डोनेट और वॉलंटियर करना है सोशल कॉजेज के लिए, ये हमको क्या करता है, एक दूसरे का ट्रस्ट बनाए रखता है, हमारा कनेक्शन बनाए रखता है और कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखता है, हम लिंक्ड रहते हैं चीजों से।
तो इतना सोशल फ्रंट पे हमको टारगेट करना चाहिए। और ऑक्यूपेशनल फ्रंट पे जो हम काम करते हैं, हमको काम कुछ करना ही है, तो इसमें कंसाइंस एथिक्स के साथ काम करना है, ऑप्टिमल एफर्ट लेना है, एफर्ट बहुत हार्डवर्क। अगर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कभी कभी जॉब्स आ जाते हैं उस कंडीशन में आप हार्डवर्क कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं, आप जैसे हो। इवन नेचर चलती है लीस्ट एफर्ट पे, हम भी चल सकते हैं एक्चुअली लीस्ट एफर्ट पे, लीस्ट एफर्ट पे चलना कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रोवाइड क्या है, जो जो करना है वो सही करना है, गड़बड़ करनी नहीं है। जिधर अगर गड़बड़ हुई उधर लेने के डबल काम एफर्ट आ जाएगा। अगर गड़बड़ नहीं करोगे आप लीस्ट एफर्ट मोड में चल सकते हो, एनर्जी कंजर्व रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ठीक है, ऑप्टिमल एफर्ट आप काम पे रखेंगे उतना काफी है। इसमें लॉजिकल एस्पेक्ट आता है, माइंड का लॉजिकल होना सही है, तभी आप कुछ कुछ कर पाओगे, क्योंकि आप डायरेक्ट चीजों से इन्वॉल्व होते हो, एनवायरमेंट से, दूसरे आदमियों से। लॉजिकल चीज यहाँ पे बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन नहीं रखनी है, एनर्जी मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी, ये सब का ध्यान रखना है। अभी एनवायरमेंट के लिए प्रोसेस क्या हमारा इम्पैक्ट है, डिसीजन और प्रैक्टिसेस, तो इसमें एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम है। इसमें एनवायरमेंट पूरा डिस्टर्ब हो ही चुका है। अभी पर्सनल लेवल पे हम जो कुछ कुछ कर सकते हैं वो मैंने लिखा है, मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन नहीं करनी है, जितना मिनिमम चाहिए उतने पे काम चलाना है, काम नहीं चलाना उतना ही चाहिए हमको एक्चुअली। सस्टेनेबल वर्क प्रैक्टिसेस रखनी है, नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो अच्छा है, एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कम जाएगा। ये सब चीजें एक्चुअली गवर्नमेंट की साइड से भी आनी है, पर गवर्नमेंट की साइड से हमारा कंट्रोल एक्चुअली कम होता है, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हम गवर्नमेंट को, थोड़ा बहुत बता सकते हैं गवर्नमेंट जो करेगा वो करेगा, तो ठीक है वो लोग भी कर रहे होंगे, हमको अपने साइड से इतना कम से कम रखना है। आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स कम यूज करने हैं, पोल्यूशन नहीं करना है, क्लीनलीनेस करनी है, क्लीनलीनेस को रेगुलर हैबिट बनाना है, तो क्या हमारा एरिया क्लीन रहेगा, दिमाग में क्लियरिटी रहेगी, सब चीजें सही रहेंगी। और एनर्जी सोर्सेज को कंजर्व करना है, रिन्यूएबल्स की साइड में ज्यादा जाना है, वेस्ट को रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करना है, ट्रीज लगाने हैं और अवेयरनेस फैलानी है। इतने करने से हम एनवायरनमेंट के प्रति अपने रोल को, इंपैक्ट को सही कर पाएंगे। और ये पर्सनल लेवल पे बॉडी माइंड सोल के बीच में बैलेंस कैसे बिठाना है, ये इसके कुछ कुछ ऑप्शन मैंने लिखे हैं। तो इसमें सबसे पहला योगा, या हम सभी को पता ही है, तो योगा प्रैक्टिस करना हमारी बॉडी माइंड सोल को लिंक करके रखता है, तो इम्बैलेंस नहीं आता, लाइफस्टाइल डिजीज भी कोई नहीं आएगा। योगा प्रैक्टिस करेंगे कोई लाइफस्टाइल डिजीज नहीं आएगा, तो ये प्रैक्टिस करना है। ये कैसे करना है थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ बाद में। और प्रेजेंट पे फोकस करना है, अभी यहाँ पे जो है उस पर फोकस करोगे आप, इधर उधर बाहर नहीं फोकस करोगे तो बैलेंस नहीं जाएगा। ये दूसरी जगह फोकस करने से बैलेंस होता है। फिजिकली मैं इधर हूँ, सोचूंगा प्लांट में क्या हो रहा है, तो कहां से बॉडी माइंड बैलेंस हुआ, वो तो गड़बड़ होगी कि उधर अभी मैं इधर हूँ, कल उधर क्या हुआ था, कल नहीं एक साल पहले उधर क्या हुआ था, वो क्या मेरा ना कोई कंट्रोल ना कोई उसका, उससे बॉडी माइंड इंबैलेंस हो जाएगा। बॉडी इधर है, आपका माइंड उधर है, बॉडी और माइंड सब एक जगह ही कंसंट्रेट होकर फोकस करके रहे, वही जो है बॉडी माइंड सोल का बैलेंस है। बॉडी कहीं माइंड कहीं, तो वो बॉडी माइंड का इंबैलेंस है। तो ये पास्ट और फ्यूचर और दूसरी जगह के इवेंट के बारे में नहीं सोचना, हम इसके लिए डिजाइन नहीं है, हमारा कंट्रोल ही नहीं है उन सिचुएशन पर। और एक बार में एक ही चीज करनी है, मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, बॉडी माइंड फोकस कर सकता, उसी के लिए बना है, उसी के लिए इसलिए मेडिटेशन करनी है, उसी के लिए मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। और डेडिकेशन से काम करना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं, डेडिकेशन बहुत जरूरी है। डेडिकेशन के बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन जब आप एक ही काम फुल डेडिकेशन से करते हैं, बॉडी माइंड सोल, मुझे अगर कैप का ढक्कन खोलना है, अगर मैं पूरे इससे ये करूंगा, मेरी बॉडी पूरे ध्यान से फोकस से ढक्कन ही खोलना है, कोई बैलेंस नहीं आएगा। अगर मैं ये उधर वो क्या हुआ ये उधर, बैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, माइनर लेवल पे होगा, पर ऐसे ही बहुत सारे एक्शन हम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करके उसका इफेक्ट विजिबल हो ही जाएगा। तो ये सब काम नहीं करना है, एक बार में एक ही काम करना, उसी पे फुल फोकस करके करना है, तो बॉडी माइंड सोल बैलेंस में रहेगा, इम्बैलेंस नहीं होगा। बी योर सेल्फ, स्पीक ट्रूथ, कंप्लीट योर डिसीजन, ये भी बहुत जरूरी है बैलेंस बनाए रखने के लिए। क्योंकि क्या है, अगर आप हो कुछ, दिखा रहे हो कुछ, आपको पता है,
दूसरे की बात नहीं, उसने क्या समझा वो बात है ही नहीं, वो तो उसकी बात है, उसने जो समझा समझ ही लिया, लेकिन आप हो कुछ, दिखा रहे हो कुछ, तो मतलब माइंड में पता है कि मैं कुछ हूं और बॉडी से दिखा दिया कुछ, तो इम्बैलेंस आ गया। इसलिए कभी भी कुछ नहीं, किसी ने पूछा क्या हाल है, ठीक ठाक है, लेकिन ठीक है क्या, कल तो इधर वो तो मैडम को ये है बुखार है, तो बोल ही दो भाई हाल ठीक नहीं है बुखार है, तो आपका बॉडी माइंड तो कम से कम बैलेंस में है, नहीं तो क्या है माइंड को पता चल गया अरे हाल ठीक है, ठीक है बोल दिया, लेकिन माइंड को पता लगा कि ठीक नहीं है, तो बॉडी और माइंड अलग अलग हो गए। वो सब चीजें नहीं करनी, जो है बोल देना, मुंह पे बोलना, मुंह फट, तो वो है योर सेल्फ ट्रुथ बोलना इसीलिए, और कंप्लीट योर डिसीजन, ये भी हमको पता है, जैसे कि सुबह उठ के अलार्म स्नूज करना, बॉडी माइंड बैलेंस क्रिएट करता है, कैसे, क्योंकि रात को तो अलार्म लगाया वही कि मैं सुबह उठूंगा 6 बजे, फिर 6 बजे उठ के उसको स्नूज कर दिया, तो मतलब गड़बड़ हो गई, जो प्लान किया था पूरा नहीं कर पाए, क्या होगा फिर कि एक बार सपोज कोई इफेक्ट नहीं आया, दूसरी तीसरी बार, फिर बाद में लगेगा अगर रोज तो स्नूज ही करता हूं, कर रहा हूं, कुछ हो रहा है कुछ, तो मतलब चीजें ठीक नहीं है, बॉडी और माइंड अलग अलग हो गया थोड़ा, तो इस ऐसी चीजें, इसलिए जो बोलना है वो करना है, तो क्या है बॉडी माइंड सब बैलेंस में रहेगा, ये है। और हायर इमोशन शिफ्ट यू टुवर्ड्स सोल, हायर इमोशन जो था अंडरस्टैंडिंग था कनेक्शन था, वो सब चीजें आपको सोल की साइड पे खींचेंगे, और नीचे के मैं हूं, मैं मटेरियल हूं, कर ले जो करना है, मैं हूं, क्या करोगे, तो वो सब आपको क्या है फिजिकलिटी की साइड पे खींचेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, अपने में जो जो इमोशंस है वो कम से कम बैलेंस रहे या सोल की साइड पे रहे तो अच्छा है। और मेडिटेशन, और इसमें भी नॉन अटैचमेंट, एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी जो दो चीजें हैं, एक नेचर से कनेक्ट रहना है और दूसरा नॉन अटैचमेंट प्रैक्टिस करनी, इन सब चीजों से हम बहुत सारी चीजों से लाइफस्टाइल डिजीज से ऐसे मुक्त हो जाएंगे, तो इसमें भी नॉन अटैचमेंट का रोल है। अभी योगा जो है, योगा जो बोला था कि बॉडी माइंड सोल का बैलेंस लाता है, उसकी डेफिनेशन ही वही है यूनियन, तो उसको करने के क्या तरीके, योगा सिर्फ आसन ही नहीं, आसन के अलावा भी है, आसन तो उसका फिजिकल एस्पेक्ट है, प्राणायाम है, उनसे पहले यम और नियम है, तो यम और नियम अगर हम इतना ही फॉलो करेंगे उसी में हमारी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम, आधे से ज्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ये एक्चुअली सुपर पावर्स प्रोवाइड करती है, सिद्धिज प्रोवाइड करती है ये प्रैक्टिसेस, तो क्या है अहिंसा है, काइंडनेस प्रैक्टिस करनी है, सत्य है ट्रुथ, असत्य चुराना नहीं है कुछ भी, और ब्रह्मचार्य है मॉडरेशन रखना, अपरिग्रह जनरसिटी मतलब इकट्ठा नहीं करना है, जो भी चीज है वही बात है कि इकट्ठा नहीं करना कि पैसा आ गया तो इतनी चीजें इकट्ठा करके रख लूं, 2-3 सालों का अनाज इकट्ठा करके रख लूं, बाद में कुछ करने की जरूरत नहीं, इकट्ठा करके ये सब नहीं करना, ये सब जो है एथिक्स के खिलाफ है, आपको आप अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन में है उतना आपको कर पा रहे हो उतना काफी है, कल का काम कल हो जाएगा, क्योंकि कल मैं कर ही लूंगा, मैं तो हूं कैपेबल हूं तो मैं कर ही लूंगा, इतना बिलीफ होना चाहिए। नियम, नियम क्या है पर्सनल, अभी जो थे वो सोशल इंटरेक्शन के थे, अभी पर्सनल के सेंस में क्या है प्यूरिटी रखनी है, प्यूरिटी मतलब क्लीनलीनेस, शौच क्लीनलीनेस रखनी है, संतोष रखना, कंटेंटमेंट जो है उतना है ठीक है, असंतोष रखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम है, एक्चुअली हमारे पास जितना है, हम आदमी है मैं बोल रहा हूं इतना ही काफी है हमको समझ के लिए, दिन दुनिया की समझ के लिए और अपने को एलिवेट करने के लिए उतना ही काफी है, हमारी बुद्धि काफी है, तो उतने पे संतोष रखना है। तपस रखना, ऑस्टेरिटी, तपस मीन्स तप, मतलब कुछ कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो तपस्या, तपस्या मीन्स स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हमको एलिवेट करती है, लेकिन मुश्किल रहती है, इजीली नहीं है उतना करना ठीक है। और स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी, नॉलेज गेन करते रहना है, स्किल गेन करते रहना है, यही है लाइफ प्रोसेस ही है, बस स्किल गेन करते रहो, नॉलेज गेन करते रहो, ट्रांसफॉर्म होते रहो, ट्रांसफॉर्म ही होना है। और ईश्वर प्रणिधान, सरेंडर,
डिवोशन रखनी है अपने, वही है कि मैंने कर दिया, इससे ज्यादा ये एक्चुअली उतना रिलेवेंट नहीं है। मैं हमको लगता है कि मैंने किया, लेकिन करते कराते सब ईश्वर ही है, ईश्वर के थ्रू ही, तो उन्होंने जो कराया उन्हीं को अर्पण, मैं तो आपका हूं, आपने जो कराया आपको अर्पण, इस मेंटेलिटी के साथ ये आप सरेंडर, इसमें ईगो भी सरेंडर होता है, डिवोशन भक्ति की भावना आती है और हम गॉड के साथ कनेक्ट होते हैं। तो इतना ये करके आप फिर आसन करोगे तो वो एक प्रॉपर प्रोसेस है। एक्चुअली आसन तो बहुत है, दुनिया भर के आसन है, सब आपको पता ही है, आसन है, प्राणायाम है, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, टर्निंग, मतलब इसमें क्या सेंस विड्रॉ हो जाता है, प्राणायाम के बाद आप सेंसेस से, हमारा जो अटैचमेंट एक्चुअली सेंसेस से ही है, सेंसेस ने ही हमको पकड़ के रखा है मटीरियल वर्ल्ड से, तो अगर आप सेंस को विड्रॉ कर लोगे तो बस मैं बच जाऊंगा, मैं मटेरियल से कनेक्ट नहीं रहूंगा, तो वो अगला स्टेज आएगा वो प्राणायाम के बाद का, उसके बाद आप फोकस और अटेंशन कर पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे, जब आप सेंस से, जब तक आप सेंस से बंधे हो कंसंट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल है, कंसंट्रेट करने के लिए सेंस को कंट्रोल करना है, उसके बाद कंसंट्रेट कर पाओगे। उसके बाद ये डी कंसंट्रेशन, लेटिंग गो ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ देने की स्टेज है, उसके बाद फाइनल है फिर समाधि, कंप्लीट हार्मनी विद सेल्फ एंड यूनिवर्स, आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है उस स्टेज में, उतने स्टेज में ये तो बहुत बड़े बड़े योगी ही मेरे ख्याल पहुंच पाते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। तो इतना ये योगा का रोल है बॉडी माइंड सोल को यूनाइट करने में, और इंप्लीमेंटेशन इतने सारी चीजों को, इतने सारे गोल्स हैं, कैसे करेंगे तो क्या है, पहले डिसाइड, विल पावर रखनी है, डिसाइड मतलब विल पावर है कि मुझे करना है तो करना ही है, नहीं तो नहीं होगा, और डिसाइड के बाद इधर लास्ट में लिखा कि गोल को कंप्लीट भी करना है, कंप्लीट नहीं किया तो फिर से इंबैलेंस आ जाएगा कि होता नहीं है, सेल्फ बिलीफ जाएगा, सेल्फ बिलीफ जाना, बिलीफ जाना मतलब पावर ही जाना, अपनी पावर को डाउन करने के जैसा, बिलीफ कभी खोना नहीं, मैं हूं ये बिलीफ हमेशा होना है, तभी मैं हूं और सामने वाला भी है, वो भी उतना इक्वलेंट जरूरी है, अपने को वेट है, सामने वाले को भी वेट है, तो उतना बिलीफ है। तो डिसाइड करना है पहले, और इतना सारे गोल में वीकली बेस पे, मंथली बेस पे थोड़ा थोड़ा टाइम अलॉट कर सकते हैं, तो उससे कुछ टाइम में सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और ग्रुप्स में कोऑर्डिनेशन करके भी कर सकते हैं, बस इतना ही।